बोलता है ये लॉकडाउन है, आप लोग घर में बैठो, घर में बैठ कर क्या करे, जब हम लोग का घर ही नहीं बचा फिर कहाँ जाए हम। सुबह 4 बजे तक इन्होंने दरवाजा का लाते मारे, बोला सारा हाथ उठाकर बाहर निकलो। हमने निकले सारे कुछ बाहर, बाहर गया फिर उधर से आया, कुछ नहीं बचा मेरे को, कुछ नहीं, ए टू जेड सब कुछ। मेरा हस्बैंड कितना मेहनत करके उन्होंने मशीन वशीन सब कुछ, मैंने मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ नहीं बचा उसमें से। जोन कपड़ा हम लोग पहन कर था वही कपड़ा में हम लोग निकल गए बाहर बस। मैं वन तो क्या खता करूँ हक पनुन मोगुम अगर वुचान वुचान खंडर बनो थन ये स्वर्ग हु शहर। तीन चार जवान इस मेरे सहन से दौड़ के आए, वो आए और घुस गए। मैंने पहले उनसे कहा कि आपको पता है कि जिस घर में आप चले जाते हैं उसका क्या हाल होता है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी चले जाओ, हम इसी रास्ते के मुसाफिर हैं, हमारा अंजाम यही है, लेकिन अपनी जान बचाओ। एक घंटा भी नहीं गुजरा था कि यहाँ गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। फिर रात भर चली, 2 बजे रात तक दोनों तरफ फायरिंग चलती रही। रात के 2 बजे एक बड़ा धमाका हुआ इस मकान में और पूरे आग की शोले आसमान को छूने लगी। सुबह को जब हम आए यहाँ मिट्टी के एक ढेर के सिवा कुछ नहीं था। सबसे पहले जब मैं आया तो मेरे जहन में यही ख्याल था कि मैं उस अलमारी को देखूं जिसमें मेरा ये असासा पड़ा हुआ। खुदा से मांग रहा था कि वो बचनी चाहिए वो अलमारी, लेकिन यहाँ जब आया यहाँ तांबे के बर्तन भी पिघले हुए थे, तो अलमारी की कौन सी चीज़ है और कागज़ कैसे बच सकती थी। और सबसे बड़ा दुख मुझे वही हुआ